हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 समझाऊंगी। छोटी सी एक्सरसाइज है, दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इस एक्सरसाइज में आज हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं, ठीक है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दो तरीके से होते हैं, है ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि उन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट हम करेंगे कैसे यहाँ पर, तो अगर हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ से शुरू करें, 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 3.765 इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन होनी चाहिए, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप आगे के नंबर्स भी ले सकते हो, बट अभी हमारे को उनकी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख लो, जब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 और 4 के बीच में होगा ये वाला नंबर कहीं, 3.765, है ना, क्योंकि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो जिन दो के बीच में है, आप क्या करो, अब उन दोनों की एक अलग से नंबर लाइन बना लो, ठीक है ना। तो अब आप ये शुरू कहाँ से करोगे, 3 से शुरू करोगे। अब आप 3 और 4 वाली नंबर लाइन बना लो, क्योंकि इनके बीच में आपको पता है 9 मार्क होते हैं ना, 9 मार्क इनके बीच में। वो 9 मार्क मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। 3 के बाद होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद होता है 4। यही 9 मार्क होते हैं। अब आपको चाहिए 3.765। तो देखो, 3.765 इन्हीं दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है ना। तो इन दो नंबर्स के बीच में होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, लेकिन जो अब नंबर लाइन बनाएंगे वो हम 3.7 और 3.8 की बनाएंगे, इनके बीच में जो 9 मार्क है उनकी। तो 3.7 से शुरू किया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और लास्ट आपके पास आ गया यहाँ पर 3.80। 80 या 8 एक ही बात है, ठीक है। आपको चाहिए था 3.765, तो वो इन दो के बीच में होगा ना, क्योंकि वो 3.76 से तो बड़ा है लेकिन 3.77 से छोटा है ना, इनके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा वो नंबर। अब दोबारा से एक और नंबर लाइन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। अब शुरू करेंगे 3.76 से, तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3. यहाँ पर क्या आएगा, 7870। तो आप 70 लिखो या फिर खाली 7 लिख दो, एक ही बात है, 3.77 लिखो या 3.770 लिखो, ठीक है। आपको नंबर चाहिए था ये 3.765, यही चाहिए था, लो हो गया रिप्रेजेंट ये नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको ही बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। लिखा था ना, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो ये है वो आपकी नंबर लाइन, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी आपको वही नंबर लाइन बनानी है। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको क्या करना है, इसको बनाना तो नंबर लाइन पे ही है, नंबर लाइन पे ही शो करना है, लेकिन लिखा है आगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ही नंबर आपको लेने हैं, क्योंकि इस बार का मतलब आप लोगों को पता ही है कि बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये 2626 26, 26। तो कितनी बार हमें लेना है डेसिमल प्लेस के, 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है, तो 2626 बस इतना ही लेना है। अब हमें फाइनली इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ है, तो 4.26 बार था, तो इसको हमने लिख दिया 4.2626, क्योंकि अप टू 4 डेसिमल प्लेस लेना था।
तो सबसे पहली नंबर लाइन तो जो हमारी नॉर्मल नंबर लाइन होती है, जो 0 1 2 3 वाली होती है, वही वाली बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ है 4.2626, तो ये 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है ये नंबर, तो 4 और 5 के बीच में कहीं आ रहा होगा, है ना। अब 4 और 5 के बीच में तो टोटल 9 मार्क्स होते हैं, तो वो 9 मार्क अब हम यहाँ पर बना देंगे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। तो आपके पास नंबर था 4.26, यही था ना। तो देखो 4.26 इन दोनों कहीं पर बीच में आ रहा होगा, इसका मतलब ये 4.2 से तो बड़ा है लेकिन 4.3 से ये छोटा है ना, तो इसके बीच में कहीं होगा। चलिए अब इसके बीच वाले जो नंबर्स है वो यहाँ पर शो करते हैं। तो 4.2 यहाँ लिया, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ आ जाएगा 4.3 या 30, एक ही बात है, ठीक है। तो नंबर आपके पास था 4.2626, तो कहाँ पर आएगा 2626 अगर आप देखो तो वो नंबर आपका यहाँ का ही आएगा, इनके बीच में आएगा, क्योंकि वो 4.26 से तो बड़ा है लेकिन 4.27 से छोटा है, तो इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, इनके बीच के जो नंबर्स हैं। तो 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, ऐसे आप करते करते बनाओगे तो लास्ट में आ जाओगे 4. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 27 था ना, तो यहाँ पर 266, 2667, 2668, 2669, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4.27, ठीक है। तो आपको चाहिए था क्या, 4.262, ये रहा 262, लेकिन अभी इसके आगे एक और डिजिट है आपके पास 6, तो वो इन्हीं दोनों के बीच में तो कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि वो 4.262 से तो बड़ा है लेकिन 4.263 से छोटा है नंबर। तो अब इसका मतलब एक और अभी नंबर लाइन बनेगी, अभी तक हमारा जो नंबर हमें चाहिए वो नहीं आया है नंबर लाइन पे। तो 4.262, 4.2621, 4.2622, 4.2623, देखो ये ऐसे लिख रही हूँ, एक एक नंबर आगे बढ़ाती जा रही हूँ, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, इसको आगे एक्सटेंड करोगे आप, लास्ट आएगा आपके पास 4.2630। तो नंबर आपको ये चाहिए था 4.2626, आ गया ना नंबर लाइन पे। तो जब तक जो नंबर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, जब तक वो नंबर उस नंबर लाइन पे नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, एक एक करके नंबर लाइन बनाते रहोगे, वो नंबर पक्का किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आ रहा होगा, तो उन दोनों नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स लिख दो, ठीक है। तो जितनी भी नंबर लाइन आपको इसमें बनानी होगी वो बनानी पड़ेंगी, लास्ट आपके पास आंसर वही आना चाहिए जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने को बोला गया है। अप टू 4 डेसिमल प्लेस बोला था, अगर अप टू 5 डेसिमल प्लेस बोलता या 6 डेसिमल प्लेस बोलता तो अब ये नंबर लाइन और आगे बढ़ती, क्लियर है। तो ये थी आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज 1.4 जो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।